हाय दोस्तों, आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक कांटेदार पादप होता है, एक प्रकार का कैक्टस जिसको अपन बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। और इसकी जो त्वचा होती है, इस त्वचा को अपन स्लाइड में दिखाएंगे, माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका जो गुदेदार भाग अंदर वाला, इसको भी अपन माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। और दूध जो इसमें पाया जाता है, इसकी संरचना भी हम कोशिश करेंगे कि आपको माइक्रोस्कोप में दिखाए। देखो दोस्तों, ये कैक्टस जो होता है वो एक रेगिस्तानी पादप होता है, इसमें कांटे पाए जाते हैं। कांटे क्या करते हैं, इनको रेगिस्तान में कड़ी धूप से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, उसकी हानि को ये कम करते हैं। और रेगिस्तानी पादपों की दूसरी विशेषता ये होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे कांटों में रूपांतरित होती हैं। पहले यहाँ पे जो पत्तियां थी, देखिए इसके ऊपरी सिरे पर, यहाँ पर अब वो पत्तियां धीरे धीरे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि जलवाष्प की हानि कम से कम हो सके। तो ये रेगिस्तानी पादप है। और रेगिस्तानी पादप का अर्थ ये है कि रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, तो ठंडा रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान में आता है अंटार्कटिका महाद्वीप और भारत के ये जम्मू कश्मीर का एरिया, लद्दाख क्षेत्र। लेकिन ये है जो मरुस्थलीय पादप है, रेगिस्तान जो अपने पश्चिमी राजस्थान, थार का मरुस्थल, सहारा इत्यादि, इन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। इनकी खासियत ये भी है कि इनमें रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं, इनका घनत्व, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है इनमें। मतलब कहने का मतलब ये है, इनमें रंध्र की संख्या बहुत कम पाई जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो सके। तो आइए इनको हम स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, अपन ने तीन स्लाइड तैयार की है। तो एक में तो अपन ने इसका दूध लिया है, कैक्टस का, ये कैक्टस है, इसका दूध लिया है, देखो सैंपल के रूप में। और एक अपन ने इसकी छाल लेते हैं। तो अपन ने एक स्लाइड इसके दूध की ली है, दूध जस्ट अभी आपको दिखाया, देखो ये दूध है। और दूसरी जो स्लाइड तैयार की है, वो अपन ने इसकी छाल की है, जिसकी छाल पाया है, ये छाल पाया जाता है इसके बाहर, ये इसकी स्लाइड है, ये सेकंड वाली, देखिए इसकी छाल है। और तीसरा जो है, इसका जो गुदेदार फल होता है वो उसकी है, ये इसका गुदेदार फल होता है, ये उसके जैसे, ये इसका गुदेदार फल है, ये इसके अंदर का अपने गुदेदार जो फल का जो हिस्सा है, उसके अपन ने ये एक हल्के से काट करके स्लाइड पे रखा है। तो आइए इसके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ज़रा दिखते हैं कैसे दिखती है। तो सबसे पहले अपन दूध लेते हैं। दूध का सैंपल मैं इसलिए कई चीज़ों को नहीं लेता, क्योंकि दूध लगभग सबका बराबर ही होता है, चाहे आँख का पादप हो, चाहे कोई कैक्टस हो, या किसी अन्य पौधे का। तो चलो देख लेते हैं इसको स्लाइड में, आइए। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप में कैक्टस का जो दूध है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। देखिए इसके दूध की संरचना है, ये देखिए इसके दूध की संरचना है, ये देखिए इसके दूध की संरचना है। तो दूध तो लगभग सबका बराबर ही होता है, चाहे आँख का पादप हो, चाहे कैक्टस का पादप हो, किसी अन्य पादप का। तो आइए अब इसके बाद अपन देखते हैं इसके पत्ती की संरचना, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये जो संरचना है, ये कैक्टस के जो बाहरी त्वचा है, बाहरी त्वचा की संरचना है। ये देखो कैक्टस की जो बाहरी संरचना होती है, इसकी त्वचा की बाहरी संरचना, ये उसकी स्लाइड है, देखो दोस्तों, देखिए ये देखिए, मैंने माइक्रोस्कोप में आसानी से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसके जो कैक्टस की जो बाहरी त्वचा है, यह उसकी स्लाइड है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो गुदेदार फल पाया जाता है, उसकी संरचना के बारे में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। ये स्लाइड है थोड़ी, ये देखिए इसकी संरचना लगभग आपने देख ली, देखिए ये देखिए दोस्तों। अब इसके बाद अपन इसके गुदेदार जो भाग होता है, उसकी स्लाइड देखते हैं।
तो दोस्तों ये है कैक्टस के जो गुदेदार जो फल भाग होता है अंदर का, तो ये उसका भाग है अंदर का। देख लीजिए आप स्लाइड में, माइक्रोस्कोप में, ये देखिए इसके अंदर का भाग है, ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर का भाग है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका जो गुदेदार फल है उसके अंदर का भाग है ये। इसकी संरचना कुछ कुछ इस प्रकार होती है, ये देखिए दोस्तों। तो हो गया क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, इसका गुदेदार जो भाग होता है अंदर का, ये उसकी स्लाइड हो गई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई किसी प्रकार की स्लाइड की ज़रूरत पड़ती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस चीज़ का पौधा हो या किसी कोई जीव हो, यदि उससे संबंधित आपको स्लाइड देखनी हो या माइक्रोस्कोप में उसकी आकृति या उसकी संरचना देखनी हो, तो कृपया करके हमको ज़रूर कमेंट में लिखें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।